कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर सीएम जयराम ठाकुर धर धर भटक रहे हैं क्योंकि प्रदेश में विकास नहीं करवा पाए। राठौर ने कहा कि सीएम द्वारा कांगड़ा दौरे को लेकर जो हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है उसका खर्च चुनाव आयोग भाजपा के खाते में डालें। सीएम को गाड़ी में कांगड़ा आना चाहिए था लेकिन आदर्श चुनाव संहिता के बावजूद हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया जिसकी कांग्रेस रिपोर्ट करने जा रही है। धर्मशाला में प्रेसवार्ता में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाजपा वो कांग्रेस में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। सीएम कहते हैं कि शिखर की ओर हिमाचल बल्कि हिमाचल भाजपा शासन में नीचे की ओर जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर अपने 3 वर्ष के कार्यकाल की एक उपलब्धि तक नहीं बता पा रहे। नेतृत्व की पहचान संकट में होती है लेकिन कोरोना काल में प्रदेश सरकार पूरी तरह मदद करने में असफल रही है। बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है लेकिन पूर्व में महंगाई को लेकर प्रदर्शन करने वाले भाजपा नेताओं ने मौन धारण कर रखा है। राठौर ने कहा कि भाजपा नेता कहते फिर रहे हैं कि कोरोना काल में पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज देश के लिए घोषित किया। प्रदेश सरकार बताए कि हिमाचल का उसमें कितना हिस्सा है। राठौर ने कहा कि नगर निगम चुनाव धर्मशाला में कांग्रेस प्रत्याशियों की सभाओं में जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि जीत कांग्रेस की होगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, पूर्व सांसद चंद्र कुमार, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय महाजन, केवल सिंह पठानिया सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कि आज जो ये चुनाव है वो विकास बनाम विनाश के बीच में हो रही है क्योंकि जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की जब हिमाचल में सरकारें रही हैं हमने जो है विकास की ऊंचाइयों को छुआ है और पिछले 3 वर्षों में जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में शासन है, हिमाचल में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। हिमाचल प्रदेश लगातार जो है शिखर से नीचे की तरफ उतर रहा है। हमारा ये आरोप है कि आज कोई नई सड़क बनी नहीं, कोई नया स्कूल बना नहीं, नया कॉलेज बना नहीं और किसी भी वर्ग को इस सरकार ने राहत नहीं दी। महंगाई चरम सीमा पे है और आप देखेंगे नशे का कारोबार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जनता नाराज़ है क्योंकि कोरोना के समय में भी लोगों को अपेक्षा थी आमजनों को कि सरकार मदद करेगी लेकिन सरकार कहीं नज़र आई नहीं और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों आज दर दर भटक रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जो है जान चुकी है और इनको जवाब मिलेगा। अब जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी कल धर्मशाला आए वो प्रदेश में जा सकते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हिमाचल के हर कोने में जा सकते हैं लेकिन आप हेलीकॉप्टर में आए उसके बाद आप यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये चुनाव आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है। हम जो है चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे कि जो दुरुपयोग है, सत्ता का दुरुपयोग है उसको रोका जाए। देखिए ये मैं मुख्यमंत्री जी के आरोप से सहमत नहीं हूँ कि नगर निगम तो एक छोटा सा है, प्रदेश सरकार तो बहुत बड़ी होती लेकिन नगर निगम में क्योंकि कांग्रेस काबिज थी इसलिए सरकार ने अड़ंगे अड़ाए। ये यहाँ की बात छोड़िए, जहाँ इनकी जैसे सोलन में इनकी नगर परिषद थी या कई जगह पर इनकी नगर परिषद थी वहाँ भी काम नहीं हुए। अब नगर निगम पे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है क्योंकि नगर निगम के पास अपना कोई बजट नहीं, सरकार पे निर्भर रहना पड़ता है और इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे जिनके प्रोजेक्ट्स के लिए कांग्रेस के समय में पैसा सैंक्शन हुआ था इन्होंने कहीं पर मदद नहीं की।